एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का टेंथ क्वेश्चन करते हैं टेंथ क्वेश्चन क्या दे रखा है टेंथ क्वेश्चन हमारा प्रूव है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स्यूर देखो क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड हमें दे रखी है राइट हैंड साइड हमारी टेंजेंट इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स वन माइनस थ्री एक्स स्क्र ये देखिए राइट हैंड साइड क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स को क्या पुट कर देते हैं टेंजेंट थीटा तो एक्स टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स अब देखो पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी राइट एंड साइड आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स थ्री टेंजेंट थीटा माइनस थ्री टेंजेंट क्यूब थीटा थ्री नहीं टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है थ्री टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेंजेंट थीटा किसका फॉर्मूला होता है ये टेंजेंट ऑफ थ्री थीटा का टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल क्या आ जाएगा थ्री थीटा थीटा की वैल्यू रख देंगे थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी टेंजेंट एक्स तो थीटा की वैल्यू रख देंगे थ्री टेंजेंट इनवर्स एक्स ये थीटा की वैल्यू रख दी हमने तो अब थ्री टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री टेंजेंट इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे देखो tangent inverse x plus two tangent inverse x का फॉर्म लगा देंगे क्या आ जाएगा ये tangent inverse two x by one minus x स्क्यूअर यही हमें प्रूव करना था यही क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन क्या दे रखा 2, तो है इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस हमें कैसे प्रूव करेंगे इलेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन में दे रखा है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड ये हमें गिवन गी, में दे रखा किसके इक्वल दे रखा पाए बाय टू के इक्वल पहले देखो फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड तीनों का कंबाइंड फॉर्मूला है क्या टेंजेंट इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाए बाय टू टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट बनेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे क्या वैल्यू रहेगी वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय टू तो ये वैल्यू एज इज टेंजेंट पाई बाई टू टेंजेंट पाई बाई टू क्या होता है नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट होता है तो अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट अब देखो ये वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी ये वैल्यू कब इनफाइनाइट होगी जब डेनोमिनेटर De में क्या बने है? जीरो बने है? तभी कोई वैल्यू इनफाइनाइट होती है नॉट डिफाइंड होती है तो क्या आएगा यहाँ से दैट इंप्लाइज तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी जीरो के इक्वल वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल तभी ये पॉसिबल है तो वन इज ये तीनों वैल्यू उधर जाके प्लस तो एक्स वाई

वेयर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर किसके इक्वल दे रखा है आर स्क्वेयर के इक्वल तो ये वैल्यू हमें पाई बाई टू के इक्वल प्रूव करनी है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर के इक्वल हमें गिवन में दे रखा है तो देखो कैसे करेंगे हम इलेवेंथ क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है हम क्या मान लेंगे लेट मान लेते हैं हम लेट वाई जेड अपॉन एक्स आर को हम मान लेते हैं ए फिर जेड एक्स अपॉन वाई आर को हम मान लेते हैं बी और एक्स वाई अपॉन जेड आर को हम क्या मान लेते हैं सी तो देन तो क्या आ जाएगी हमारी देन लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी प्लस टेंजेंट इनवर्स सी ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी हमारी इज इक्वल टू अब इन पे फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन नीचे क्या वैल्यू वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टेंजेंट जेट इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस ब्रैकेट लगा के तीनों वैल्यू क्या लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वैल्यू आ जाएगी अब उसके बाद क्या करेंगे हम नाउ हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ये नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू रखेंगे ए की वैल्यू क्या थी वाई जेड बाय एक्स आर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है जेड एक्स बाय वाई आर प्लस बी सी की वैल्यू बी की वैल्यू जेड एक्स बाय वाई आर मल्टीप्लाई एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस सी ए सी की वैल्यू रखेंगे सी की वैल्यू है एक्स वाई अपॉन जेड आर मल्टीप्लाई ए की वैल्यू वाई जेड अपॉन एक्स आर देखो यहाँ से वाई से वाई कैंसिल ठीक है एक्स से एक्स कैंसिल क्या बचेगा यहाँ से जेड स्क्र बाय आर स्क्वेयर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा जेड से जेड कैंसिल वाई से वाई कैंसिल क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्र बाय आर स्क्वेयर प्लस यहाँ से देखो वाई यहाँ से जेड से जेड कैंसिल एक्स से एक्स कैंसिल क्या आ जाएगा वाई स्क्यर बाय आर आर ले लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा अब ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वेयर तो आ जाएगा एल्शियम ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्वेयर अब हमें गिवन में क्या दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्यर हमें गिवन में किसके इक्वल दे रखा आर स्क्वेयर के इक्वल तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे आर स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर ये किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल तो देन लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन वन माइनस देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ये वैल्यू वन माइनस ये हमने किसके इक्वल प्रूव किया वन के इक्वल इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम वन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस वन तो ये बन जाएगा अब टेंजेंट इनवर्स वन माइनस वन जीरो तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन जीरो तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स किस पे होता है पाए बाय टू पे यही हमें प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी थी पाए बाय टू पे तो यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रूव दैट टेंजेंट इन्वर्स एक्स बाय वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय फोर ये वैल्यू हमें पाई बाय फोर के इक्वल प्रूव करनी है देखो कैसे करेंगे इसको हम ट्वेल्थ जो क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन को करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपोन एक्स प्लस वाई ये वैल्यू हमें दे रखी है इसको सोल्व करेंगे देखो कैसे करेंगे X y इसको हम कैसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर डायनोमिनेटर दोनों को हम वाई से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स बाई क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई को वाई से डिवाइड करेंगे वन अपॉन आ जाएगा x बाई वाई प्लस वाई को y से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा वन अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स x बाई वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स माइनस हम कॉमन ले लेते हैं माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स बाई वाई अपन ये वैल्यू एच ट रहेगी वन प्लस एक्स बाय y हमने ऊपर से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया वन प्लस का बनेगा x by y किसका हो जाएगा माइनस का तो अब ये माइनस बाहर आ जाएगा ये माइनस और बाहर के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स x by y माइनस माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा ये वन माइनस x by y अपॉन वन प्लस एक्स बाय वाई इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो अभी क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई टेंजेंट इनवर्स वन प्लस थीटा अपॉन वन वन माइनस थीटा अपॉन वन प्लस थीटा ये फॉर्मूला होता है अब क्या करेंगे देखो यहाँ से ये वैल्यू एजट इज लिखते हैं पहले तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन वन प्लस एक्स बाय वाई पुट कर देंगे हम यहाँ से पुट क्या पुट कर देंगे एक्स बाय वाई को हम क्या पुट कर देते हैं टेंजेंट थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई देन तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू रखते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा एक्स बाई वाई की जगह टेंजेंट थीटा रखेंगे प्लस टेंजेंट इनवर्स वन माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टेंजेंट थीटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल थीटा बचेगा प्लस टेंजेंट इनवर्स वन माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टेंजेंट थीटा किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ओ पाई बाई फोर प्लस थीटा तो ये वैल्यू आ जाएगी अब थीटा प्लस माइनस है यहाँ पे तो किसका होगा ये फॉर्मूला माइनस टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल क्या बचेगा यहाँ से पाई बाय फोर और माइनस थीटा थीटा से थीटा कैंसिल क्या आ जाएगा सिर्फ पाए बाय फोर तो लेफ्ट हैंड साइड को पाई बाय फोर के इक्वली प्रूव करना था यही क्या थी हमारी राइट हैंड